ऑलराइट दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा हर महीने एक साल में बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च करते रहते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में जो अपकमिंग आने वाला है, जो कुछ इसी महीने में लॉन्च होगा और कुछ नेक्स्ट ईयर यानी 2022 में, जो फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे, जो जनवरी में लगभग रिलीज होगा। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स में जानने के लिए बने रहिए, और पहली बार अगर चैनल में है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में जब भी इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड होगा तब आपके पास सब नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं, फर्स्ट में आती है रेडमी का स्मार्टफोन। जी हाँ, पहले एक वीडियो में मैं आपको बताया था रेडमी का एक रेडमी नोट 11 का एक सीरीज आने वाला है, तो उसमें सिर्फ रेडमी नोट 11 के बारे में बताया था, लेकिन इसका एक सेकेंड वेरिएंट भी रिलीज करने वाला है जो इसी महीने में लास्ट में रिलीज करने वाला है कंपनी। ये फोन है वो है रेडमी नोट 11T जो 5G कनेक्टिविटी के साथ लॉन्च करने वाला है, जहां पर आपको पावरफुल प्रोसेसर के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे चोक डायमेंसिटी, जी हाँ मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे, मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 में आपको एसओसी में आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको 8GB रैम के साथ 256GB का इंटरनल स्टोर भी देखने को मिल जाएगा, और बैटरी बैकअप यहाँ पर आपको 5000mAh में देखने को मिलेगा। ये जो स्मार्टफोन आने वाला है ये 4 कलर में अवेलेबल होगा, और इसका जो इंटरनल स्टोर है और रैम है वो कलर वेरिएंट के हिसाब से होगा, स्टोरेज प्लस रैम कलर वेरिएंट के हिसाब से डिफरेंट होगा, यानी 4 टाइप का रैम आपको देखने को मिलेगा और 4 टाइप का इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगा। और इस फोन में जो कैमरा है, जी हाँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कैमरा, एक कैमरा इतनी पावरफुल दे कर रखा है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसमें आपको क्वाड सेटअप में आपको कैमरा देखने को मिलेगा बट अलग डिफरेंट साइज में आपको देखने को मिल जाएंगे। सेकंड में आती है Xiaomi। Xiaomi एक ब्रांड है जिसका सब ब्रांड भी है कुछ, जो Mi है, उसके बाद Poco आती है, उसके बाद Redmi आती है, तो ये तीनों Xiaomi का सब ब्रांड है, लेकिन Xiaomi खुद इस बार फोन लॉन्च कर रहा है। जी हाँ, Xiaomi 12 लॉन्च करने वाला है इसी साल के लास्ट में, दिसंबर में लॉन्च करने वाला है, लेकिन कंफर्म अभी तक डेट अनाउंस नहीं किया है कंपनी ने, बट बता दिया है दिसंबर में लॉन्च करने वाला है। तो जहां पर आपको उस फोन में आपको जहां पर आपको 2 एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएंगी, यानी बहुत ज़्यादा आपको ब्राइटनेस के साथ आपको नीट ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाएंगे, और उस फोन में आपको पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे जो क्वालकॉम का है, जो लेटेस्ट प्रोसेसर है, जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 898 जो लेटेस्ट प्रोसेसर है उसमें आपका यूज होते हुए देख पाओगे आप। और इस पे उस फोन में आपको ट्रिपल सेटअप में कैमरा देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो प्राइमरी कैमरा होगा वो 50MP का प्राइमरी कैमरा होगा, और इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल चार्जर देखने को मिलेगा। जी हाँ, 100W का फास्ट चार्जर आपको देखने को मिल जाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड स्पेसिफिकेशन आने वाला है, जब भी आएगा मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए जान लेते हैं अगला जो स्मार्टफोन है उसके बारे में। तो अगला स्मार्टफोन आती है ओप्पो की तरफ से, नंबर 3 पे आती है ओप्पो। ओप्पो ने एक रेनो का एक सीरीज निकाला था जो ओप्पो रेनो 6 था, जहां पर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देखने को मिल गया था एंड पावरफुल कैमरा आपको देखने को मिल गया था, यानी कुल मिला के बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड पावरफुल स्मार्टफोन लॉन्च किया ओप्पो ने। तो इस बार ओप्पो ने ओप्पो रेनो 7 सीरीज लॉन्च करने का डिसाइड किया है। जी हाँ, जहाँ पर आपको 2 वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएंगे, जो ओप्पो रेनो 7 प्लस ओप्पो रेनो 7 प्रो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो ओप्पो रेनो 7 सीरीज है ये दिसंबर में इसी साल में लास्ट में लॉन्च करने वाला है चीन में, चाइना में, बट ये फोन जल्दी आने वाला है इंडिया में, जो जनवरी में नेक्स्ट ईयर न्यू ईयर में ये फोन लॉन्च करने वाला है फर्स्ट मंथ में, बट अभी तक डेट कंफर्म नहीं हुआ है, इसका स्पेसिफिकेशन वगैरह अभी तक लीक नहीं हुआ है, तो जब भी ये फोन का स्पेसिफिकेशन वगैरह आ जाएगा मैं आपको कंफर्म क्लियरली आपको बता दूंगा। तो चलिए जान लेते हैं अगला कौन सा स्मार्टफोन आने वाला है इंडिया में। तो नंबर 4 पे आती है OnePlus का। जी हाँ, OnePlus ने OnePlus 10
रिलीज करने वाला है, जिसका डिस्प्ले का डिजाइन का ट्रीजर आ गया है जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन के बारे में बताना चाहूँगा, तो यहाँ पर कुछ भी अभी तक लीक नहीं हुआ है, लेकिन आप कंपेयर कर सकते हो जो ओप्पो का नया स्मार्टफोन आने वाला है, जो ओप्पो रेनो 7 सीरीज, उसी का सेम स्पेसिफिकेशन लगभग सेम आने वाला है। तो लास्ट में जो नंबर 5 पे आती है, बहुत ही ज़्यादा तड़कता फड़कता, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त स्मार्टफोन जो आती है रियलमी की तरफ से। जी हाँ, रियलमी का जो CEO है वो अनाउंस किया है ब्रांड की तरफ से, जो रियलमी ब्रांड है उसकी तरफ से अनाउंस किया है, जो बहुत ही जल्दी एक फ्लैगशिप लेवल जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव फ़ोन लॉन्च करने वाला है। स्टार्टिंग प्राइस 60,000 के अराउंड होगा। जी हाँ, 60,000 के अराउंड उसका प्राइस होगा, जो अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी का स्मार्टफोन होगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी होगी और कितना ज़्यादा पावरफुल होगा उसका प्रोसेसर वगैरह, रैम वगैरह, उसका परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा पावरफुल होगा। तो आई एम एक्साइटेड फॉर दिस फोन। ये जो फ़ोन लॉन्च करने वाला है, इसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो आईफोन से। जी हाँ, आईफोन के साथ कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट आती है गूगल के जो पिक्सल है, जो पिक्सल उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो, और जो सैमसंग का एक सीरीज़ आने वाला है, जो गैलेक्सी S सीरीज, उसके साथ भी आप कंपेयर कर सकते हो। यानी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। CEO ने ये नहीं बताया कौन सा स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, तो इसके बारे में जब भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा तब आपको मैं कंप्लीट डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसी तरह बने रहिए, और इसी टाइप का अगर वीडियोस देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती टाइम देने के लिए।